एवरी वन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग के लिए बहुत सारे लोग ने डिमांड की हुई है, रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैम हमारे पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं और थर्ड पार्टी के कारण अगर हम दोनों में बातचीत नहीं हो रही है या सेपरेशन है, वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी के कारण, तो वो इसका फ्यूचर क्या होगा, एक कलेक्टिव रीडिंग पोस्ट कर दीजिए। तो आज मैं देखूंगी आपके लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके कारण आप दोनों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, तो आपके पर्सन क्या करेंगे, आपकी तरफ आपका साथ देंगे या थर्ड पार्टी का साथ देंगे। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। मेरे व्यूवर्स जो भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं या आने वाले समय में ये रीडिंग देखेंगे, अगर उनके और उनके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन किसका साथ देंगे, आपका या थर्ड पार्टी का। तो आपकी साइड ये है और थर्ड पार्टी की ये है, ठीक है। आपके पर्सन क्या आपका साथ देंगे, पहले मेरे व्यूवर्स की तरफ 5 कार्ड दे एंजल्स, 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ये आपकी साइड रहेगी एनर्जी, और थर्ड पार्टी जो भी है उसके लिए क्या एनर्जीज हैं। सो ये जो कार्ड्स हैं ये थर्ड पार्टी के हैं, तो पहले हम थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में वी हैव 5 कार्ड्स, जिसमें वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर तो फैमिली प्रॉब्लम है, और आपकी तरफ वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन हैं तो थर्ड पार्टी में इस वक्त, बट हर्ट है, दिल में 3 खंजर घोपे हुए हैं। मीन्स कि आपके पर्सन किसी मजबूरी के कारण है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इनकी बिल्कुल भी नहीं जमती है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, चाहे वो इनका परिवार हो या कोई और सिचुएशन हो। आपके पर्सन का मन करता है कि इस सिचुएशन से निकल जाए, रिलीज चाहते हैं आपके पर्सन, और आपके बारे में ही सर्च करते रहते हैं। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर है, और आपके तरफ यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बीच बीच में आपको स्पाई करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, आपकी तरफ वापस आते हैं, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ आप हो। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपका पर्सन तो आपके पास नहीं है, किसी और सिचुएशन में है, लेकिन ये होपफुल है कि आगे चल के आपके साथ ही फैमिली बनेगी, आपके साथ ही इनका फ्यूचर होगा। भले अभी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट आने वाले समय में ये आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो वाइब्रेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो जो भी अदर सिचुएशंस हैं उससे निकलकर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, भले इट विल टेक सम टाइम, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपके पर्सन होपफुल हैं तो आपको भी होप रखने की ज़रूरत है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, होप आपको इस शॉर्ट रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, थैंक यू सो मच, बाय बाय।